ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह है? पिछले दिनों से शहर के जिस तरीके से हालात हैं और शहर में जिस तरीके से इलीगल गतिविधियां बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो अनधिकृत बांधकाम हो, चाहे नशा हो, चाहे इलीगल मार्केट का मुद्दा हो, हर चीज़ के अंदर जो है वो शहर को एक तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेन वजह जो इस वक्त यहाँ पर ये है कि एक तासुर दिया जा रहा है, एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जो ताकत के साथ है उसकी सुनवाई होगी। चूँकि कल ही का दिन था जब बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मनाया गया, लोगों के अंदर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, थाना जो है वो संविधान से चलेगा, सीएम की जाती राय इसके अंदर क्या है, उसके सीएम के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उस पर देश नहीं चलेगा। हमने थाने महानगर पालिका को इससे पहले एक लाक्षणिक उपोषण धरने के जरिए से उनको समझाया गया था, उसके बाद ये लेटर दिया गया कि आपने जो है वो उसके बाद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपको एक मुद्दा याद दिला दूं कि नेशनल हाईवे जो है हमारा NH4, इससे लग करके एक मार्केट बसाया गया जिसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर इलीगल रेलिंग लगाई गई। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर कोई आम आदमी ऐसी कोई हरकत करता तो उसके ऊपर जो है वो सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल हो जाता। लेकिन बालू पीचर जो AMC है यहाँ के, ऐसा इनका क्या इंटरेस्ट है, ऐसा उनको क्या फायदा मिल रहा है कि सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद जब हमने कहा कि आपने जो है वो जितने भी सरकारी आरक्षित भूखंड है, रिजर्व प्लॉट्स हैं, इसके ऊपर जो भी काम होना चाहिए था महापालिका की तरफ से, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने हमको एक अच्छे फुटपाथ नहीं दिए, अच्छी स्कूल नहीं दिए, अच्छे गार्डन नहीं दिए, तो इस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। यानी सरकारी खजाने को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हो और अगर उसके अंदर कुछ अफसरान की मिली भगत हो जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर कोई आवाज उठाने वाला कहीं पर भी इधर उधर चले जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाती है, उसके खिलाफ फौरी तौर पर केस दर्ज हो जाता है। तो यह दर्शाया जा रहा है कि अगर आप सरकार के साथ हो, सत्ता के साथ हो, तो आप अपनी मनमानी करोगे, लेकिन हम हमेशा से यह कहते आए हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर का जो संविधान है, इस देश के अंदर जो कानून है, वो कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे सरकार के अंदर हो या ना हो। अगर कानून के हिसाब से कुछ भी गलत हो रहा है तो उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हमने उनसे हमारे भूख हड़ताल के लिए स्टेज बांधने के लिए हमने लेटर दिया, परवानगी मांगी, अभी तक के उसका कोई जवाब नहीं। देखिए, यहां पर एक इंसिडेंट हुआ, सीएम के लोगों ने एक पुरानी शाखा के ऊपर कब्जा किया, उसको तोड़ा, अब वह धड़ल्ले से इलीगल काम चल रहा है। मैं आगे की बात बोलना चाहता हूं, जो कोई भी नेता है इसके अंदर वो जिस तरीके से बोल रहा है कि ये शाखा मंदिर के समान होती है, इस शाखा को भाड़े पे दे दिया गया था, ये शाखा हमने कब्जा करे वापिस से, हम इसको बनाएंगे, हम दो माले का बनाएंगे, लीगल बना रहे, लीगल बना रहे तो आप बनाओ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उस शाखा के पीछे की जगह किसने बेचा, बहुत जल्द इसका भी खुलासा होगा। उस शाखा के पीछे जो अनधिकृत बांधकाम हुए वो किसकी मर्जी से हुए, किसने इसके अंदर मतलब जो है गलत हस्तक्षेप किए, इससे पहले कब्रिस्तान के अंदर किसने सबसे पहला लेटर दिया कि ये जगह के ऊपर कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए, और जल्द इसका भी खुलासा होगा। आज इस तरीके से जो है कि बाहर के लोग यहां पर आते हैं, मैं बताता हूं, छठ पूजा हुई यहां पर,
हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो छठ पूजा करा रहा है वो जहां से आया कभी उसने वहां छठ पूजा कराया था क्या? नहीं कराया होगा। यहां आके क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे बीजेपी के जरिए से, लेकिन जो वो जहां रहते थे कभी उन्होंने वहां कराया है? नहीं कराया। एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है यहां पर। कांवड़ यात्रा के अंदर जिस लड़के की वजह से शहर का माहौल खराब हुआ, उस लड़के का सत्कार करने वाले लोग कौन है? एक सिस्टम बनाया और इस देश के अंदर एक फिजा जो खराब की जा रही है उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस जो है वो एक पूरी तरीके से जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी में। हमने भी यहां पर, हम फिलहाल पार्टी लेवल के ऊपर कर रहे हैं लेकिन शहर के मुद्दों पर ये मसले कर रहे हैं। हमने हर चीज जो शहरियों के मूलभूत सुविधा है उसकी मांग की, अगर वो नहीं होगा फिर ठीक है, ऐसे भी तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा। अगर जरूरत पड़ी तो जहां जहां पर गैर कानूनी हो रहा है उसके सामने भी धरना करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिन। सर अभी आपने कोई स्पेसिफिक जगह चुनी है या पूरे मुमरा और शील दोनों जगह पे जो है? फिलहाल मुमरा प्रभाग समिति की बात हो रही है क्योंकि शील प्रभाग समिति के अंदर भी हम लोग जो है वो दीवा प्रभाग समिति जो आती है उसमें भी हम लोग आगे चल के करेंगे। लेकिन हम पहले देखिए, हमारे विक्रांत जी चौहान ने भी कुछ दिनों पहले जो है वो एक मुद्दा लिया, साई बाबा मंदिर के आगे की जगह कब्जा कर लेगी, आने जाने वालों को जाने के लिए रास्ता नहीं था। हमने जो भारत का संविधान जिस चीज की इजाजत देता है वो मार्ग अपनाते हुए जो है हमने धरना किया और थाने महानगर पालिका ने उस जगह को खाली करा, जाने आने के लिए रास्ता दिया। तो हम संविधानिक तरीके से इसको शुरुआत कर रहे हैं। मुमरा के अंदर कुछ दिनों पहले मैंने लाइव करके बताया कि स्टेशन के पास क्या गार्डन है जो बच्चों को खेलने के लिए जगह होना चाहिए उसकी हालत क्या, वहां पे नशा हो रहा है। ऐसी कई चीजें जो मुद्दे लेकर के हम एएमसी के पास बैठे, बाड़ू पीचड़ खास करके किसके दबाव में काम कर रहे हैं, और अगर वो काम नहीं कर सकते सही तो उनको अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। सलमान सर, इससे पहले भी आपने दीवा प्रभाग समिति में ऐसा ही धरना आंदोलन किया था, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं, मगर आप भी जानते हैं कि उसका क्या कंक्लूजन निकला था। काम तो अभी भी वैसे ही लगातार हो रहे, तो अब बारी है मुमरा प्रभाग समिति की, तो क्या लग रहा है यहाँ भी काम होगा या फिर बस ऑफिसर को ट्रांसफर करके काम ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए कैसा है कि जैसे कि आपने बात की दीवा की, दीवा के अंदर हम लोगों की कोशिश थी कि जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, लेकिन हमने भूख हड़ताल की, 3-4 दिन भूख हड़ताल चली। अब वो दिखावे की कार्रवाई कहिए उसको या कुछ और कहिए, ऑफिसर का तबादला हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद फिर एक लिपिक का ट्रांसफ़र हुआ, तबादला हुआ, बहरहाल ये सब चीज़ें चल रही हैं। जिस तरीके से दीवा के अंदर काम हो रहा है उसी तरीके से मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जैसे कि वसीम साहब ने बताया, अभी लेटर हम लोगों ने ऑलरेडी दिया था आंदोलन का, हम लोगों ने आंदोलन किया भी था मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त के कैबिन के बाहर, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने वर्बली आश्वासन दिया था, हमने लेटर के थ्रू उनको बताया था कि आपका आश्वासन वर्बली है, हम जो दे रहे हैं वो लिखित में है। 7 दिन की उनको मुद्दत दी थी कि 7 दिन के अंदर जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं शहर के अंदर वो सिर्फ बांधकाम नहीं होगा, चाहे वो सर्विस सेंटर हो, वॉशिंग सर्विस सेंटर हो, पार्किंग का मामला हो, अवैध बांधकाम का मामला हो, फिर चाहे वो इल्लीगल मार्केट का मामला हो, सबको पूरी तरीके से बंद करने का हमने अल्टीमेशन दिया था। लेकिन वो 7 दिन, मैं समझता हूँ कि 15 से 20 दिन आज गुजर चुके हैं, उसमें हम लोग भी ये समझते हैं कुछ छुट्टियाँ आई होंगी कुछ काम की वजह से, वो खुद भी बिजी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उनके अंदर दिखाई नहीं दे रही। तो हम लोगों ने एक परमिशन लेटर डाला है कि मुमरा प्रभाग समिति के सामने, मतलब बाहर हम एक मतलब भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हमने परमिशन दे दी होगी, लेकिन वो परमिशन के बाद भी 7 दिन हो गया है, हम बार बार जा रहे हैं, कम से कम हमको परमिशन तो दो। वो बोले नहीं तुम हमारे प्रमाइसिस में बैठेंगे, मतलब वो आपका प्रमाइसिस नहीं, आपका प्रमाइसिस गेट के अंदर है, हम बैठ रहे गेट के बाहर। तो बहरहाल ये सब बातें चली, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। तो हमने ये तय कर लिया है कि 29 तारीख को वेनेसडे को सुबह मॉर्निंग 11 बजे मुमरा प्रभाग समिति के बाहर हमारा मंडप लगेगा और हम बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे। सर वही बात आ रही है कि अगर उसके बाद अगर एएमसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है तब आगे क्या प्रोसेस होगा सर, क्योंकि काम तो ऐसे ही लगातार चल रहे हैं, चलते रह रहे। नहीं नहीं तो उसके लिए वही है ना, अगर आप बता रहे ट्रांसफर कर दिया, तो जब ट्रांसफर कर देंगे तो दूसरा तो लाओगे ना, दूसरा लाने से पहले हम कमिश्नर के पास जाएंगे, और वक्त आए तो मुख्यमंत्री के पास ऊपर, और अगर कमिश्नर भी नहीं सुना तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि कोई भी एएमसी लाने से पहले यहाँ पे ये सिस्टम होना चाहिए, अवैध काम नहीं होना चाहिए, जितनी भी इलीगल एक्टिविटी वो नहीं होना चाहिए, लीगल करो,
इलीगल एक्टिविटी होना नहीं चाहिए। वेनसडे को हम सुबह 11 बजे मुमरा प्रभाग समिति के बाद बेमतलब भूख हड़ताल पे बैठे। कितने लोग बैठेंगे ये भूख हड़ताल पे? देखिए अभी लेटर दिए हैं जिसमें मैं हूँ, वसीम सैयद साहब हैं, फिरोज अंसारी साहब हैं, ये हम लोग 3 लोग और पूरी कांग्रेस की टीम सपोर्ट करके पूरा एकजुट होकर हम लोग वहाँ पे।